हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थ्योरेटिकल फिजिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लिपर सर्किट। आखिर क्लिपर सर्किट होता क्या है, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फाइनली क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुकी है या पूछने की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दूंगा कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, क्लिपर सर्किट को करने के लिए स्टूडेंट्स ने अपनी ट्रिक्स बनाई होती है। तो देखिए, बार बार कहूंगा कि फिजिक्स कभी भी ट्रिक्स से नहीं होती है, ठीक है। तो एक काम करो, ट्रिक्स थोड़ी देर के लिए अपना भूल जाओ। वो ट्रिक्स मैं भी बताऊंगा, कब बताऊंगा, जब मैं सब कुछ पूरा पढ़ा दूंगा। सब कुछ पढ़ाने के बाद वो ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स से आपको क्या करना है, प्रॉब्लम आपको हमेशा, क्योंकि आपके पास मोर देन सफिशियंट टाइम होता है नेट में और जेएनयू में, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम हमेशा क्या करना है, कॉन्सेप्ट से ही करना है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। ट्रिक्स से आपको क्रॉस चेक करना है। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और प्लस आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाओगे, और ट्रिक्स आप क्या करोगे, ट्रिक्स को आप यूज करोगे उस प्रॉब्लम को क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ भाई, वो मेरे 5 मार्क्स जो है वो कन्फर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मेरे 4 मार्क्स है वो कन्फर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए ट्रिक्स को अपने दिमाग से निकाल दो और क्या करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीख लो कि आगे कॉन्सेप्ट होता क्या है। चलिए, और जिनको खैर ट्रिक्स नहीं आता हो तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखो यार, ठीक है। ट्रिक्स मैं बाद में सिखा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात करते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है कि भैया जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्लिपर सर्किट। कि आखिर क्लिपर सर्किट होता क्या है, क्लिपर सर्किट आपका होता क्या है। क्लिपर में सर्किट नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्लिपर लिखूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि क्लिपर लिखा है वहां का मतलब क्या हो गया, उसका मतलब है क्लिपर सर्किट, ठीक है। ये मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं है, ये कौन सा सर्किट, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ओके। अब देखो, उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्लिपर सर्किट को समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो भाई, ईयरफोन और जो हमारा हेडफोन होता है ना, उसको कान में लगा लो। तो जब आप क्या करोगे, ईयरफोन और हेडफोन कान में लगाओगे तो जितनी भी आसपास की नॉइस है, ठीक है, जितना भी आसपास का हल्ला है, वो सब भी आपको सुनाई देगा। और फिर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि यार सर नॉइस प्रॉब्लम हो रही है। डेफिनेटली होगी नॉइस प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा है अभी, ठीक है। तो आप ईयरफोन में लगा के सुनोगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत नॉइस आपको सुनाई देगा, ठीक है। और अगर मैं क्या करता हूं, यही काम मैं माइक लगा के करता हूं, मैं एक माइक लगा लेता हूं, ठीक है, 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद मेरा एक माइक आ जाएगा। अब वो माइक लगा के क्या करता हूं, मैं लेक्चर देता हूं। अब मैं माइक लगा के लेक्चर दूंगा तो आसपास की जो नॉइस है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, वो नॉइस क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब आपको सिर्फ मेरी प्योर आवाज सुनाई देगी। तो इस माइक ने क्या किया, इस माइक ने इस नॉइस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, जो नॉइस आपको अभी सुनाई दे रही है बिना माइक के। अभी मेरे पास माइक नहीं है तो क्या हो रहा हूं, नॉइस आपको सुनाई दे रही है, पर जैसे मैं माइक लगाऊंगा तो नॉइस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ठीक यही काम क्या करता है, क्लिपर सर्किट करता है। क्लिपर सर्किट भी क्या करता है, कुछ पार्ट्स को रिमूव कर देता है, ठीक है, कुछ नॉइस को रिमूव कर देता है, यू कैन से कि कुछ डिसएडवांटेज पोर्शन को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब देखिए, फाइनली अगर मैं बात करता हूं कि रिमूव करता कहां से है, तो देखिए, जो मैं बोल रहा हूं, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो इनपुट है, वो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, और जो आप तक पहुंच रहा हो क्या, आउटपुट सिग्नल है। इसका मतलब क्या होगा कि आसपास की जो नॉइस है वो किसके अंदर में आ जाएगी, इनपुट सिग्नल में आ जाएगी, और आप तक जो पहुंच रहा हो क्या हो जाएगी, आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। इसका मतलब जो नॉइस रिमूव हो रही है वो कौन से पार्ट से रिमूव हो रही है, इनपुट से या आउटपुट से, डेफिनेटली इनपुट पार्ट से रिमूव हो रही है, ठीक है। तो यहां पर भी ठीक यही काम क्लिपर करता है। क्लिपर एक डिवाइस है जो रिमूव करता है, जो क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। अब सारे इनपुट पार्ट को रिमूव नहीं करेगा, मेरी आवाज तो सुनाई देगी ना आपको माइक लगाने के बाद, कि मेरी आवाज माइक लगाने के बाद आपको सुनाई नहीं देगी, वो सुनाई देगी डेफिनेटली। तो क्या करता है, पूरे कंप्लीट इनपुट को रिमूव नहीं करता, आसपास की जो नॉइस है, मतलब कुछ क्या होगा, कुछ पार्ट्स को रिमूव करता है। तो यू कैन से कि रिमूव सम पार्ट, अब किससे रिमूव करता है, सम पार्ट फ्रॉम इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल से क्या करेगा, कुछ पार्ट्स को रिमूव कर देगा। ये तो हो गया क्लिपर का काम। अगर मैं क्लिपर के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो क्लिपर का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है आपका क्या, सीरीज क्लिपर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है पैरेलल क्लिपर को मैंने पैरेलल सिंबल दे दिया, ठीक है। चलिए फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो फर्दर क्लासिफिकेशन में होता है पहले अनबायस्ड। अब अनबायस्ड क्या होता है, उसके लिए पैनिक मत होना यार, अनबायस्ड क्या होता है मैं समझा दूंगा, ठीक है, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दूसरा क्या होता है बायस्ड, और बायस्ड क्या होता है वो भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अनबायस्ड सीरीज क्लिपर, ठीक है, और सेकेंड क्या होता है आपका बायस्ड सीरीज क्लिपर, ठीक है। और अगर मैं पैरेलल क्लिपर की बात करता हूं तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन भी सेम होगा, ठीक है। क्या सेम होगा, पैरेलल अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं सेकेंड टाइप के, तो सेकेंड टाइप क्या हो जाएगा, बायस्ड
पैरेलल क्लिपर। चलिए ये तो क्या हो गया, इसका क्लासिफिकेशन एंड फर्दर क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, जो क्लिपर का क्लासिफिकेशन हो गया सीरीज क्लिपर एंड पैरेलल क्लिपर, और फर्दर क्लासिफिकेशन सीरीज क्लिपर का क्या है, अनबायस्ड सीरीज क्लिपर, बायस्ड सीरीज क्लिपर। अगेन क्या हो जाएगा आपका, जो पैरेलल क्लिपर हो जाएगा उसका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, अनबायस्ड पैरेलल क्लिपर, बायस्ड पैरेलल क्लिपर। ठीक है, अनबायस्ड बायस्ड क्या होता है, पैरेलल सीरीज क्या होता है, सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना, आपके लिए उसको उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत को अब देखो, अब क्या है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो आज का पहला सबसे पहला टॉपिक है, वो है हमारा, मैं पार्ट्स में पढ़ाऊंगा इसको, वो है हमारा सीरीज अनबायस्ड क्लिपर। ठीक है, सर्किट आपको समझना है, अगेन बोलूंगा एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं है, मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट नहीं है, कौन सा सर्किट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो सबसे पहले सीरीज का मतलब समझो और पैरेलल का मतलब समझो, वो मैं क्लियर कर देता हूं। अगर सपोज इट आपका सर्किट कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्किट कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, तो ये कौन सा सर्किट हो जाएगा, सीरीज सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका सर्किट कुछ इस टाइप से दिया है, इस टाइप से, ठीक है, तो उस केस में सर्किट क्या हो जाएगा, पैरेलल सर्किट हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा सीरीज सीरीज क्लिपर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पैरेलल क्लिपर। ठीक है, तो ये बात आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी। आप क्या डायोड को उल्टा भी दे सकता है, सुलटा भी दे सकता है, जरूरी नहीं डायोड ऐसा दे, डायोड को वैसे भी कर सकता है, डायोड को ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सीरीज पैरेलल, सॉरी सीरीज क्लिपर हो जाएगा। ठीक है, और डायोड का यहाँ पे जरूरी नहीं ऐसा दे, डायोड को ऐसा भी कर सकता है, डायोड को ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन देने वाले के ऊपर कि क्वेश्चन कैसा देता है, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका सीरीज हो जाएगा और इस टाइप का दिया हो तो पैरेलल हो जाएगा। खैर ये बात भी ध्यान नहीं रखनी, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना, बस किस्सा खत्म। पर फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, और ज्यादा पैनिक नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं कि अनबायस्ड की, तो देखिए अनबायस्ड का मतलब क्या होता है और बायस्ड का मतलब क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है बायस्ड, बायस्ड मतलब ये होता है, बायस्ड मतलब समझा देता हूं आपको, बायस्ड बायस्ड मतलब ये होता है कि उसमें डीसी सप्लाई है, क्या है, डीसी सप्लाई है। ठीक है, अब डीसी सप्लाई में क्या हो सकता है, या तो आपका क्या होगा, सेल होगा, सेल का सिंबल बना देता हूं पॉजिटिव नेगेटिव, अदरवाइज आपकी क्या होगी, बैटरी होगी। ठीक है, भैया बैटरी का सिंबल बना देता हूं पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो या तो आपका बैटरी होगा या फिर आपका क्या होगा, सेल होगा। अगर बैटरी और सेल उसमें है, आपको दिख गया कि भैया उसमें बैटरी भी है और सेल भी है, तो यू कैन से क्यों क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं अनबायस्ड की बात करता हूं, तो अनबायस्ड का मतलब क्या है, उसमें कोई भी डीसी सोर्स नहीं होगा, कोई भी डीसी सप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें डीसी सप्लाई क्या होगी, नहीं होगी, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा है सीरीज अनबायस्ड क्लिपर। तो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि भैया सीरीज के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने डायोड को कुछ स्टेप्स लगा दिया। ठीक है, अनबायस्ड का मतलब क्या होगा, अनबायस्ड का मतलब होगा कि इसमें कोई भी डीसी सोर्स नहीं होगा, मतलब कोई भी बैटरी या कोई भी सेल नहीं होगी। तो आपको देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कोई भी बैटरी या कोई भी डीसी सोर्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे वी इनपुट, यहाँ इनपुट सिग्नल सप्लाई होगी और यहाँ आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस टाइप से आपको वेव दी जाएगी, ये क्या आपका इनपुट, ये आपका क्या इनपुट। अब जो इनपुट है वो साइनोसोइडल है, अब इनपुट साइनोसोइडल है तो इसका फर्स्ट हाफ साइकिल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर इसका फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट हाफ साइकिल सपोज दैट ऐसे ना गिवन करके वो ऐसे देता, तो उस केस में फर्स्ट हाफ साइकिल क्या, नेगेटिव है। अगर फर्स्ट हाफ साइकिल नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल हमें वेव हमेशा कैसे मिलेगी, हमें वेव हमेशा साइनोसोइडल मिलेगी, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब फर्स्ट हाफ साइकिल पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाला हमेशा नेगेटिव होगा और ऊपर वाला क्या, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी, जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो करंट ऐसे जाएगा, देखो यहां से ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, ये करंट का क्या है, डायरेक्शन है। और यू नो वेरी वेल कि करंट क्या होता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बात भी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। हाँ, ये कब नेगेटिव होगा और ये कब पॉजिटिव होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो एक एग्जांपल देके कि कब ये नेगेटिव होगा कब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिलहाल आप क्या करो, आप यहाँ पे इस केस में पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना, जब ये नेगेटिव होगा तो मैं बता दूंगा किस केस में नेगेटिव होगा और ये किस केस में पॉजिटिव होगा, मतलब ठीक इसका उल्टा कब होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए
अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको सबसे पहली चीज सीखनी है क्या, केवीएल। क्या सीखना है? केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना भैया, अगर इलेक्ट्रॉनिक सीखना चाहते हो तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। बिना किरचॉफ वोल्टेज लॉ के आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सीख सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का की पॉइंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है? की पॉइंट है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, बीजेटी पढ़ोगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में भी आपका क्या लगेगा? केवीएल लगेगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अगर आप एम्पलीफायर पढ़ोगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ आएगा, ठीक है। अगर आप डायोड पढ़ोगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब जितनी जगह जाओगे हर जगह आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप क्या करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यहां समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आज समझा दूंगा, उसके बाद मेरे ख्याल से कभी ना समझाऊं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अच्छे से समझना इसको। इसलिए आज की क्लास में जो किरचॉफ वोल्टेज जो है वो है समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ बी क्या है, बी डेफिनेटली किरचॉफ वोल्टेज लो है तो वोल्टेज ही होगा, ठीक है। अब वोल्टेज यहाँ पे क्या, समेशन हो रहा है, मतलब इसका एल्जेब्रिक सम है। एल्जेब्रिक सम इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता तो क्या होता, वेक्टर सम होता, ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू जीरो। अब अप्लाई कैसे करोगे, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स में वो क्या होता है, प्लस और माइनस को लेकर होता है। कब आप प्लस रखोगे, कब आप माइनस रखोगे, इसके लिए मैं दो मेथड बता देता हूं। दोनों में से कोई सा भी अप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सपोज दैट मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा हूं, मेरे चलने की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। उस केस में जो आपका वोल्टेज क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक। इसका उल्टा अगर मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चलूंगा तो उस केस में वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड देखो क्या होगा, अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहा हूं तो ठीक, इसका उल्टा, अभी क्या था, पॉजिटिव था, इस केस में मैं नेगेटिव ले लूंगा, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा हूं तो उस केस में मैं क्या ले लूंगा, पॉजिटिव है, मेथड नंबर टू। अब आप मेथड नंबर वन को इस्तेमाल करो या फिर मेथड नंबर टू को इस्तेमाल करो, आपका आंसर क्या आना, सेम आना है। आंसर में कोई भी आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपका क्या होगा, इसको यूज करो या इसको यूज करो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ बुक्स ने क्या करा है, मेथड नंबर टू को ओबे करा है, कुछ बुक्स ने मेथड नंबर फर्स्ट को ओबे करा है। मैक्सिमम बुक्स मैंने जो पढ़ी है, मैक्सिमम बुक्स मैंने जो देखी है, उसमें मेथड नंबर टू को इस्तेमाल किया गया, ठीक है। फिलहाल जो मैं इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि इलेवंथ क्लास से मैं इस मेथड, इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज कर रहा हूं, तो मेरी आदत क्या बन गई है, मेरी आदत बन गई है फर्स्ट मेथड वाले की, तो मैं हमेशा फर्स्ट मेथड को यूज करूंगा। आप सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। कल के दिन ये मत बोलना कि बुक्स में सेकंड मेथड को यूज करो, आप बोलोगे सर ने तो हमें बताया नहीं यार, सर ने तो ये वाला बताया था, ठीक है। तो मैं गलत नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, आप सेकंड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी यूज करो, आंसर सेम आना, अगेन बोलूंगा, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा अभी आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पी टाइप, ये क्या आपका डायोड है, डायोड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है और ये होता है आपका नेगेटिव। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत कुछ इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ओके। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायोड की बात करता हूँ। डायोड है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, तो सपोज ये डायोड का वोल्टेज क्या है, वीडी, तो डायोड हो गया आपका यहाँ पे। अब डायोड के टोटल तीन केसेस हो सकते हैं, ठीक है। पहला, डायोड अगर आइडियल है तो डायोड आइडियल, तो आपको याद रखना कि डायोड का वोल्टेज क्या है, जीरो है। सेकंड, अगर क्या है, डायोड आपका सिलिकॉन का है, तो उस केस में डायोड का जो वोल्टेज होगा 0.7 वोल्ट होगा, ठीक है। अगर सपोज डायोड आपका जर्मेनियम का है, तो उस केस में जो डायोड होगा वो क्या होगा, 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका डायोड का वोल्टेज याद रखना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि डायोड आपका आइडियल है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उस हिसाब से डायोड का क्या होगा, वोल्टेज आपको लिखना पड़ेगा कि डायोड का वोल्टेज 0 वोल्ट होगा, डायोड का वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगा या डायोड का वोल्टेज 0.3 वोल्ट होगा। चलिए बहुत बढ़िया, आपको बहुत अच्छा कर रहे हो। अब देखो इसकी तो क्या जरूरत पड़ेगी अभी, इसलिए मिटाएंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब मैं क्या करता हूँ, छोटू वाले सर्किट में टोटल दो सर्किट है, एक छोटू सा सर्किट है, एक बड़ा सा सर्किट है। इस छोटू वाले सर्किट में केवीएल अप्लाई कर देता हूँ, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा, मेरी चलने की डायरेक्शन क्या, मेरी चलने की डायरेक्शन ये है, ये मेरी चलने की डायरेक्शन मैंने क्या कर दिया, बता दिया, चलने की डायरेक्शन होती, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूं। अगर मैं सपोज इट ऐसे बनाता तो मेरी चलने की डायरेक्शन क्या होती, ऐसे उल्टी होती, ठीक है। फिलहाल मैंने जो सिंबल बनाया वो ऐसे बनाया, तो मेरी चलने की डायरेक्शन ऐसे है। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं क्या जा रहा हूँ, माइनस से पॉजिटिव, तो मेरे को बीच में क्या मिला, वी इनपुट, ठीक है। अब मैं माइनस से पॉजिटिव की तरफ चल रहा हूँ, तो माइनस टू पॉजिटिव वोल्टेज क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोल्टेज पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो सेकंड, जब मैं यहाँ गया, जब मैं ऐसे चल रहा, तो मुझे क्या मिला, डायोड मिला, डायोड मिला, तो ये क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायोड का वोल्टेज कितना है, वीडी। अब मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद और कहीं वोल्टेज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तो हो गया वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, ये लोड रेजिस्टेंस है आरएल। कुछ स्टूडेंट जो सोच रहे होंगे कि ये वोल्टेज भी तो है भाई, प्लस इनटू आरएल, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसके अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्या होगा, आपका वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है और आरएल अब जीरो हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसमें कोई बुराई वाली बात हो भी नहीं सकती है। चलिए, ये तो मैंने क्या कर दिया, केवीएल अप्लाई कर दिया। आप देखो यहाँ पर क्या है, आपको एक लेट करना है, क्या लेट करना है, वी इनपुट इक्वल टू वी टर्मिनल, ये
स्टेप बता रहा हूँ, ये स्टेप को बार बार अप्लाई करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आपका केवीएल अप्लाई करोगे, ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? केवीएल। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप लेट करोगे वी इनपुट इक्वल टू वी टर्मिनल। तो जब वी इनपुट को मैं वी टर्मिनल के बराबर रखूंगा तो किसके किसके बराबर आ जाएगा बताओ, वी डायोड के बराबर आ जाएगा। बस अब यहाँ पे आपका काम आके हो गया खत्म। अगर आपने वी टर्मिनल की वैल्यू निकाल दी इसका मतलब पूरा क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ बचेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे डायोड क्या हो सकता है, डायोड आइडियल भी हो सकता है, सिलिकॉन का भी हो सकता है, जर्मेनियम का भी हो सकता है। फिलहाल मैं यहाँ पे डायोड आइडियल नहीं मान रहा हूँ, नॉन आइडियल डायोड है। नॉन आइडियल डायोड का मतलब क्या है, या तो सिलिकॉन का होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, जर्मेनियम का होगा, ठीक है। तो कुछ भी उसका वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। अगर मैं डायोड को क्या आइडियल मानता तो यहाँ पे जीरो वोल्ट होता तो क्वेश्चन और आसान हो जाता, पर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन बनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, उसकी मेरे को जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो मुझे क्या पता चल गया कि V टर्मिनल क्या है, V डायोड के बराबर है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, आगे देखो करना क्या है, लिख देता हूं मैं इस बात को। जो आपका क्या है V टर्मिनल है वो V डायोड के बराबर है। अब आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा दिमाग में कि भैया टर्मिनल वोल्टेज है किसका आखिर, ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टेज है किसका। देखो सबसे अलग मेथड बता रहा हूं, बहुत मुश्किल से इस मेथड को ढूंढना है मैंने। अगर सपोज दैट डायोड ऐसे लगा हुआ है, डायोड ऐसे लगा हुआ है तो टर्मिनल वोल्टेज है इसका, ये है टर्मिनल वोल्टेज। टोटल दो टर्मिनल होंगे इस डायोड में, एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये, तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। अगर डायोड आपका ऐसे लगा हुआ है मतलब उल्टा, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा ये। तो हमेशा जो सेकंड टर्मिनल होगा, हमेशा आपके चलने की डायरेक्शन का मतलब सीधा चलना, आपको उल्टा ऐसे मत चलना शुरू कर देना, ठीक है। आपका जो सीधा चलने का डायरेक्शन होगा उसमें जो सेकंड टर्मिनल होगा वो हमेशा क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज होता है। इसका मतलब अगर डायोड आपका ऐसे लगा होगा तो टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज हो जाएगा आपका वीटी, ठीक है, और इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज हो जाएगा वीटी अगर डायोड आपका उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, फिलहाल यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो किसका है बताओ, वो टर्मिनल वोल्टेज है इसका वीटी, ठीक है, जो कि किसके बराबर है, बीटी के बराबर है। जरूरी नहीं बीटी के बराबर है, कुछ और भी हो सकता है, वो भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे क्या बनेगा, टोटल यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। मैं पहला केसेस क्या, पहला केस अगर वी टर्मिनल सॉरी वी इनपुट टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है, ठीक है, और दूसरा केस क्या बनेगा, वी इनपुट टर्मिनल वोल्टेज से क्या है, कम है। अब देखो मैं एक इनपुट सिग्नल बना देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा, आ गया इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब टर्मिनल वोल्टेज भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आया था, देखो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि V टर्मिनल इक्वल टू क्या आपका VD। अब क्या होगा यहाँ पे जो VD है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता डायोड का, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका V टर्मिनल है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर V टर्मिनल आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और वो लाइन क्या होगी, ऊपर ड्रॉ होगी, ठीक है। अगर इनकेस आपका V टर्मिनल क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, V टर्मिनल नेगेटिव आ जाता, इसका भी एक एग्जांपल करूंगा मैं, ठीक है। अगर V टर्मिनल नेगेटिव आ जाता तो एक लाइन ड्रॉ होगी, वो लाइन ड्रॉ कहाँ होती, नीचे होती, ठीक है। फिलहाल क्या है आपका V टर्मिनल वोल्टेज क्या है, आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब एक लाइन ड्रॉ होगी और वो लाइन कहाँ होगी, ऊपर ड्रॉ होगी। और कहाँ ड्रॉ होगी, लगभग जीरो पॉइंट, सपोज इट इज सिलिकॉन है, सिलिकॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 0.7। तो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे कहीं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब, ठीक है। और ये जो लाइन ड्रॉ मैंने करी है ये आपका क्या है, 0.7 वोल्ट है, मतलब यू कैन से कि ये क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो केसेस होंगे, पहला केस क्या है कि आपका वी इनपुट क्या है, टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो क्या है, ये वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है। और जब मैं इसकी बात करूंगा, ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन की, इतने पोर्शन की, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, ये क्या है, ये V इनपुट क्या है, V टर्मिनल से कम है, ठीक है, लेस है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट आपको कैसे मिलेगा। आउटपुट बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करो, जहां जहां लाइन क्या कर रही है, ये जो V टर्मिनल वाली लाइन आपने ड्रॉ करी है, जहां जहां लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है वहां से क्या करो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक तो यहां पे इंटरसेक्ट किया ऐसे ने, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, रीजन बन जाएंगे रीजन, एक यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो, ठीक है, यहां ड्रॉ करना कर दो, मर्जी आपकी, नहीं करना मत करो, छोड़ो, ठीक है। तो एक रीजन बन गया, एक रीजन, दो रीजन, तीन रीजन, ठीक है, ऐसे आगे भी रीजन बनेगा, चार रीजन, पांच रीजन, छह रीजन, तो रीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अब सबसे पहले इसको चेक करो, ठीक है,
जब मैं इसको चेक करूंगा तो देखो क्या होगा, मेरा कुछ डायोड इस टाइप से लगा हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि जो आपका वी टर्मिनल है वो वी टर्मिनल इस केस में क्या होगा, इसका वोल्टेज होगा। तो ये आपका क्या हो गया, वी टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये बात तो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि हमेशा वी टर्मिनल क्या होता है, सेकेंड वाले का होगा। ठीक है, अगर आपका डायोड ऐसा लगा हुआ है तो वी टर्मिनल ये हो जाएगा। अगर डायोड आपका उल्टा होता, मतलब कुछ ऐसा होता, तो उस केस में वी टर्मिनल कौन सा होता, वी टर्मिनल ये वाला होता। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये पता चल गया कि भैया क्या है, यहाँ पे वी टर्मिनल है और वी टर्मिनल क्या आपका पॉजिटिव है, ये बात भी ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, अगर मैं वी टर्मिनल की वैल्यू रखता हूँ तो कितना आएगा, 0.7, किसका, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे वी टर्मिनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.7 वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इनपुट क्या करा है, वी टर्मिनल से ज्यादा दिया, ज्यादा देने का मतलब सपोजेड मैंने दे दिया 2 वोल्ट, या फिर सपोजेड 3 वोल्ट, या फिर सपोजेड 5 वोल्ट, ज्यादा देने का मतलब यही हुआ ना। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पी टाइप है, एन टाइप है, साफ साफ देख सकते हैं आप कि जो आपका पी टाइप का वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है एन टाइप के वोल्टेज से, क्योंकि ये पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, आपको पता ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका क्या होगा, जो आपका डायोड होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह, किसकी तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस की तरह। अब अगर डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव कर रहा तो उससे क्या होगा, उससे क्या पता चलेगा आपको, इसका मतलब ये जो सर्किट है, अब मैं यहाँ पे सर्किट बना देता हूं, ये जो सर्किट है कुछ ऐसा बनेगा, इसके लिए बना रहा हूं, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट मतलब करंट फ्लो होगी। ठीक है, इसका मतलब जितना इनपुट यहां से जा रहा है वहां पे उतना ही क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि जितनी करंट यहां से जा रही है सारी की सारी करंट कहां पहुंच रही है, यहां पे पहुंच रही है। तो यहां से अगर 5 एम्पियर की करंट जाएगी तो यहां पर कितनी एम्पियर पहुंच रही है, पहुंचेगी भी यहां पे 5 एम्पियर की करंट। इसका मतलब क्या होगा कि इस केस में यू कैन से, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो वी आउटपुट होगा वो वी इनपुट के बराबर हो जाएगा। मतलब जैसा जैसा आउटपुट होगा वैसा ही वैसा आपको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, मैं वही सेम काम करता हूँ, ऐसा ही डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे वी टर्मिनल कितना बताओ, 0.7 वोल्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो सेकंड केस में क्या है, वी इनपुट की वैल्यू वी टर्मिनल से क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। कम का मतलब कितना होगा बताओ, कम का मतलब 0.3 वोल्ट, ये भी हो सकता है, या फिर -2 वोल्ट। -2 वोल्ट भी क्या है, प्लस जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट से क्या है, कम है, क्योंकि देखो ये देख सकते हो नेगेटिव भी तो है, तो -2 वोल्ट या -3 वोल्ट या फिर 0.1 वोल्ट या 0.5 वोल्ट, हाँ 5 वोल्ट। तो यहाँ पे देखो फाइनली क्या होगा, जब मैं वी इनपुट की वैल्यू वी टर्मिनल से कम रखूंगा तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, सपोजेड मैंने यहाँ पे रख दिया 0.1 वोल्ट, तो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं पी टाइप है और एन टाइप है। तो जो आपका पी टाइप का क्या है वोल्टेज है वो एन टाइप के वोल्टेज से क्या है, कम है। ठीक है, और जब ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब जो आपका डायोड होगा वो कौन से बायस में होगा, वो आपका रिवर्स बायस में होगा। ऐसा भी 12th क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, कि पी टाइप का अगर क्या होता है वोल्टेज एन टाइप से कम होता है तो कौन से बायस में होता है, रिवर्स बायस में होता है, और अगर पी टाइप का वोल्टेज एन टाइप से ज्यादा होता है तो उस केस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं इसके लिए बना रहा हूँ सर्किट, ठीक है, इसका मतलब डायोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ओपन सर्किट का मतलब करंट आके यहीं रुक जाएगी, क्योंकि ये रिवर्स बायस की तरह काम कर रहा है और रिवर्स बायस में करंट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, करंट फ्लो नहीं होता है। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको कितना करंट मिलेगा, 0 करंट मिलेगा। 0 करंट मिलेगा मतलब वोल्टेज आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आपका क्या होगा, जब आपका रिवर्स बायस होगा तो वी आउटपुट कितना होगा, 0 होगा, मतलब कोई भी वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। ये बात तो आपको हो रही होगी क्लियर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। जब आपका क्या है, वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है, कम है। कम है का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, एक तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ और दूसरी में किसकी बात कर रहा हूँ, इतने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, उस केस में आपका क्या है, जो वोल्टेज है वो कितना, 0 है। इसका मतलब इस वाले रीजन में, देखो इस वाले रीजन में, ये वाला रीजन किसके अंदर में आता है, वी इनपुट इज लेस देन वी टर्मिनल, और उस केस में आउटपुट कितना है, 0। इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया आउटपुट इस वाले के लिए, इतने के लिए। फिर इसकी बात करता हूं इस वाले के लिए, थर्ड रीजन के लिए। इसमें अगेन ये वाला रीजन क्या है, वी इनपुट इज लेस देन वी टर्मिनल, और अगेन यहाँ पे करंट कितना बताओ, करंट अगेन यहाँ पे 0 है। ये हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं इस वाले रीजन की बात करता हूँ। इस वाले रीजन में आप देख सकते हैं कि ये इनपुट है
और ये जो इनपुट है वो क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है। जब वी टर्मिनल से वोल्टेज आपका क्या है, वी इनपुट का ज्यादा है, उस केस में जो आपका वी आउटपुट हो क्या है, वी इनपुट के बराबर है। मतलब जैसा जैसा इनपुट मैं दूंगा वैसा वैसा मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट आपका अगर ऐसा है तो आउटपुट भी मुझे क्या मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो ये आपका ऐसा हो गया, ये फिर ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, इसको आप रिपीट करते रहना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में क्या कर रहा है, कुछ कुछ बुक्स में यहां से और फिर ऊपर से दे दिया है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लेना, क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए क्या कर रहा है, ऊपर बना रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, हम डिसकंटिन्यूटी ना मिले इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो और ऐसा बना दिया। आप चाहे तो ऐसे और ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, बट थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान देना डायग्राम में कि आपका डायग्राम ऐसा ही मिलेगा कुछ। ठीक है, ऊपर भी कर सकता है ये, ऊपर भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है देने, क्या कहते हैं, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कहता है, पर कभी भी दो ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे कि एक आपको ऐसा दिया और दूसरा आपको ऐसा दिया। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, तो आपका क्या होगा, यू कैन से कि हाँ भैया ये वाला ऑप्शन होगा तो सही कर देना जाके उसमें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं डायोड को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ भाई। ये तो आपका हो गया क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करता हूँ, डायोड को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। डायोड को मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये हो गया डायोड, अच्छा सा डायोड बना लेंगे। चलिए, वी आउटपुट वी इनपुट, ये हमेशा क्या नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा नेगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है, आरएल, और ये हो जाएगा आपका क्या, ये पी टाइप है तो पॉजिटिव, और ये एन टाइप है तो नेगेटिव। ठीक है, ये एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। सबसे पहले केवीएल अप्लाई करो, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, केवीएल अप्लाई, केवीएल अप्लाई करोगे। देखो, माइनस से प्लस मतलब पॉजिटिव वी इन। ठीक है, फिर माइनस से प्लस मतलब प्लस वी डी, और कहीं है आपको, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, प्लस आई इंटू आरएल भी आना था, बट ये जो आई है वो जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका केवीएल अप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना था बताओ, सेकंड स्टेप में आपको लेट करना था, क्या लेट करना था, वी इनपुट इक्वल टू वी टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वी टर्मिनल आ जाएगा माइनस वी डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका जो क्या है, वी टर्मिनल है वो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, जब मैं इनपुट ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ इनपुट ड्रॉ कर देता हूँ, ये आ गया इनपुट। इनपुट में जो लाइन ड्रॉ होगी, जो आप लाइन ड्रॉ करोगे, वो नेगेटिव आने के कारण नीचे ड्रॉ होगी कि ऊपर ड्रॉ होगी, डेफिनेटली नीचे ड्रॉ होगी, तो यहाँ पे ड्रॉ होगी वो। अगर इन केस आपका वी टर्मिनल पॉजिटिव आया होता तो ये जो लाइन मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ कहाँ ड्रॉ करता, ऊपर की तरफ ड्रॉ करता। तो यहाँ पे वी टर्मिनल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वी टर्मिनल आपका नेगेटिव आया, देखो माइनस वी डी आया है, इसका मतलब क्या होगा, जो लाइन आपकी ड्रॉ होगी कहाँ की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और ये आपका हो जाएगा माइनस वी टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या होगा, टोटल दो केसेस बनेंगे, तो ये बात तो मुझे पता चलेगी कि जो आपका वी टर्मिनल है वो माइनस क्या है, वी डी के बराबर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टोटल दो केसेस होंगे। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस आपका बनेगा वही कि जो आपका V इनपुट है वो V टर्मिनल से ज्यादा हो, V टर्मिनल से क्या हो, ज्यादा हो। ज्यादा होने का मतलब मैं किस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की, इतने की। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये लाइन ऐसी होगी जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा, एक तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एक यहां। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है। वी टर्मिनल से ज्यादा का मतलब मैंने बात करी सबसे पहले इतने पोर्शन की। ठीक है, सेकंड में किसकी बात करूंगा, सेकंड में बात करूंगा जब वी टर्मिनल, वी इनपुट क्या होगा, वी टर्मिनल से कम होगा। कम का मतलब इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इतने की सिर्फ। ठीक है, तो पहले मैंने इतने पोर्शन की प्लस इतने पोर्शन की बात करी, फिर मैं कितने पोर्शन की बात करूंगा, सिर्फ इस पोर्शन की बात करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा भैया डायोड। तो डायोड हमारा कैसा है, इस बार उल्टा डायोड है, ये आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ, वी टर्मिनल वोल्टेज कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, डेफिनेटली ये वाला होगा, कहा था ना, बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही। तो वी टर्मिनल आपका ये वाला होगा। चलिए, अब वी टर्मिनल ये वाला है तो टर्मिनल वोल्टेज इस बार कितना, देखो
माइनस वीडी है तो साइन के साथ रखना है, ऐसा नहीं कि प्लस वीडी रख दोगे। माइनस वीडी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा माइनस, सपोज इट सिलिकॉन है तो माइनस 0.7 वोल्ट, ठीक है, विद साइन रखा है देखो मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वीडी नहीं रखा, माइनस वीडी रखा, ठीक है। चलिए बहुत बड़े बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब मेरा पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि जो वी इनपुट है वो टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा है। ज्यादा का मतलब सपोज इट कितना दे देता हूँ मैं, यहाँ की यहाँ पे एक वोल्ट दे देता हूँ, या फिर दो वोल्ट दे देता हूँ, या फिर तीन वोल्ट देता हूँ, चार वोल्ट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका क्या होता है पी टाइप होता है, और ये आपका क्या होता है एन टाइप होता है। तो जो आपका एन टाइप का वोल्टेज है वो ग्रेटर देन है पी टाइप के वोल्टेज से। इसका मतलब जो आपका डायोड होगा वो कौन से बायस में चला जाएगा, आपका रिवर्स बायस में चला जाएगा। और जब डायोड आपका रिवर्स बायस में जाएगा तो यहाँ पे आपका कौन सा सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब जो आपका आउटपुट है, आउटपुट कितना मिलेगा बताओ, आउटपुट मिलेगा जीरो, ठीक है। चाहो तो मैं इसको बना भी देता हूँ, पहला वाला देखो जो रिवर्स है, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कोई भी करंट फ्लो होने का मतलब क्या हो जाएगा, किसके तरह काम करेगा ये, ओपन सर्किट का करंट यहाँ आएगा, यहाँ आके रुक जाएगा, आगे करंट जाएगा ही नहीं। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो वोल्टेज हो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत खूब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, देखो आपका सेकंड केस में मैं फिर डायोड बनाता हूँ, अगेन उल्टा डायोड है, ये डायोड बना दिया जो यहाँ बना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा पीछे वाले का होता है, सेकंड वाले टर्मिनल का होता था, मतलब माइनस 0.7 वोल्ट किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और जब मैं इस टर्मिनल पे क्या कर रहा हूँ, वी इनपुट है, यहाँ पे देखिए ये जो टर्मिनल बनाता है ऐसा, यहाँ पे इनपुट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जो वी इनपुट है, वी इनपुट है, इस बार क्या है, यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई हो रहा है, ये इनपुट अप्लाई हो रहा है, वी इनपुट क्या, वी टर्मिनल से ज्यादा है, सॉरी कम है। कम का मतलब कितना हो जाएगा, कम का मतलब हो जाएगा 0.9, ठीक है, वोल्ट, या फिर -1 वोल्ट या -2 वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका क्या होता है पी टाइप होता है, या आपका क्या होता है एन टाइप होता है। इसका मतलब जो आपका क्या होगा, पी टाइप का जो आपका वोल्टेज है वो ग्रेटर होगा एन टाइप के वोल्टेज से, क्योंकि यहाँ पे क्या -7 है और यहाँ पे -9 या -1 है, तो -1 क्या होता है छोटा होता है 0.7 से। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो डायोड है वो क्या होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब किसकी तरह काम करेगा ये, एक तरह एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, यहाँ करंट जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट मुझे आउटपुट में मिलेगा। इसका मतलब जो आपका बी आउटपुट होगा वो बी इनपुट के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए ये बात तो क्या हो गई, हमें क्लियर हो गई, चलिए बहुत बढ़िया बहुत को। अब देखो यहाँ पर क्या, सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करता हूँ, वी इनपुट इज ग्रेटर देन वी टी, मतलब मैंने इतने की बात करी। अब जब मैं इतने की बात कर रहा हूँ, ये उस केस में इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, उस केस में मतलब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ, इस केस में करंट फ्लो हो रहा है जीरो, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ये आ गया जीरो, जीरो हो गया ना, ठीक है। उसके बाद मैं इस रीजन की बात करता हूँ, ये रीजन भी क्या है, ये रीजन भी आप देख सकते हैं कि वी इनपुट क्या है, वी टर्मिनल से ज्यादा है। और जब वी इनपुट वी टर्मिनल से ज्यादा, उसके इसमें करंट की वोल्टेज कितना है जीरो, इसका मतलब इस रीजन में भी वोल्टेज कितना हो जाएगा जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ अब इस रीजन की, ठीक है, ये वाला, ये देख रहे हैं आप इतना, ये क्या आपका, ये वाला रीजन है, वी इनपुट इज लेस देन वी टी, वी इनपुट इज लेस देन वी टी। इस केस में जो आपका क्या है, जिस केस में जो आपका वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो किसके बराबर है, इनपुट वोल्टेज के, मतलब जैसा जैसा इनपुट है वैसा ही वैसा आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब इनपुट आपका कैसा है, ऐसा है, तो आउटपुट भी आपको कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। और ये चीज रिपीट होगी, कैसे रिपीट होगी, ऐसा, ठीक है, ये चीज रिपीट होती रहेगी। चलिए बिल्कुल जैसा जैसा इनपुट है वैसा वैसा आउटपुट मिल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत को, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, कुछ इस टाइप से आएगा। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया, वो तो दो क्वेश्चन क्या है, मोर देन सफिशियंट है आपको चीजें समझाने के लिए कि भाई आपको कैसे टर्मिनल वोल्टेज किसे मानना है, टर्मिनल वोल्टेज को कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमने क्या करा, सीरीज अनबायस्ड, नेक्स्ट क्लास में अन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा सीरीज बायस्ड क्लिपर सर्किट, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी आएगा। हाँ ये वाला लेक्चर आने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके कई सारे कारण थे, तो चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अगला लेक्चर थोड़ा जल्दी आएगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। तो आज की क्लास में फिलहाल मैंने क्या कर दिया, आपका सीरीज अनबायस्ड क्लिपर सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और आगे आने वाली क्लास को भी अटेम्प्ट करना छोड़ना मत, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तो सिर्फ बेसिक शुरू हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।